सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप देख सकते हो हमारी बाइक ये खड़ी है जो कि कम्प्लीटली पेंट हो गई, कम्प्लीट हो गई है। हमने बॉडी किट इसके अंदर फिट कर दी है। अब जो है हमें इसके अंदर जो इंस्टॉल कराने हैं, जो हमें अप्लाई करने हैं, वो करने हैं ग्राफिक्स हमारे, और जितने भी इसके ऊपर स्टिकरिंग करनी है हमें, अब वो बच गया है। ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, ये हमारा रिवीलिंग का वीडियो था, उसके बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले मैंने ये शूट कर लिया था। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा कुंदर की, जो कि नियर अबाउट यहाँ से 15-16 किलोमीटर है अपने यहाँ से। वहाँ पे अपने भाई है, जैसा आपको पता है सुहेल भाई, R15M वाले, वो आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा। तो उनके पास प्लॉटर है, तो उन्होंने बोला कि यार खुद से, आपको पता है सारा काम हमने खुद से कराया है, तो अब ग्राफिक्स का काम भी हम खुद से ही करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, देखो ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने नाम लिखा है ना, ये मैंने खुद से लिखा है। और ये अपना एक ये वाला स्टिकर हेडशॉट का जो लिखा है, ये मैंने खुद से कटिंग करके लिखा है, और ये मैं कभी हटाने वाला नहीं हूँ। भले ही थोड़ा मतलब साइज़ एजिस सही नहीं है, बट मैं इसको नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये मैंने खुद से अपने हाथ से बना के लगाए हैं। मेरा इच्छा थी शुरू से कि हाँ सारा काम मैंने खुद से कराया, तो स्टिकरिंग वर्क भी मैं खुद से ही करूं। और ये जो दो स्टिकर बनाए ना मैंने, ये दोनों स्टिकर मैंने खुद से बनाए हैं, तो ये मैं कभी नहीं निकालने वाला हूं। इसके अलावा जितना भी बॉडी वर्क करेंगे इसके ऊपर ना, स्टिकरिंग वर्क, वो सारा हम प्लॉटर से कट करने वाले हैं। तो अभी सीधा चलते हैं और आप एक बार लुक चेक कर लो यार बाइक की। भाई कमेंट में बता दो कैसी बनी है बाइक, क्योंकि आपने रिवीलिंग वीडियो तो देख लिया होगा। तो चलो अब सीधा चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ किस तरह से हमें अपना काम करना है। तो भाई देखो, भाई की शॉप पे आ चुके हैं, जो कि हमारी कुंदरकी में। और यहाँ पे देखो R15M खड़ी है सुजन भाई की, और ये अपनी खड़ी है स्कॉर्पियो और शॉप है भाई की। तो यहाँ पे अभी हम काम कराएंगे। भाई एड्रेस बताओ अपनी शॉप का। कुंदरकी बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, तो भाई की शॉप जो है वो कुंदरकी में है, और स्पेशली आप खुद सोच लो मुरादाबाद में 100 से ज़्यादा दुकानें हैं। मुरादाबाद से 17-18 किलोमीटर दूर में यहाँ, आप सोच लेना कि किस वजह से आया हूँ। अभी आपको एंड रिजल्ट दिखाया जाएगा कि हाँ किस तरह से हमने अपना काम किया है। तो अभी देखो अपना काम स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आपको फाइनल शॉट्स दिखाते हैं। और देखो हमारा R1M का स्टिकर आ चुका है। तो भाई लोग इसी तरह का देखो काम होता है। काम में चाहे टाइम लग जाए, बट भाई जो है ना काम बिल्कुल परफेक्ट जैसा तुम चाहते हो ना वैसा करके देंगे, एक नंबर बिल्कुल। तो देखो इसी वजह से इतनी दूर आया है। हाँ मेन रीज़न यही है इतनी दूर आने का, वरना मुरादाबाद में 100 दुकानें कराने के लिए, बट मैंने किसी के पास नहीं कराया, भाई के पास हम इसी वजह से आए। भाई ये चेक करो DRL पिंक है ये।
गाइस देखते हैं बाकी डीआरएल तो हमने लगा रखा है बट हमें और ज्यादा ब्राइट देखना है तो इस ऑप्शन पे हम जा सकते हैं। बाकी कलर देखते हैं या तो रेड या व्हाइट, इन दोनों में से एक चूज करेंगे। बाकी अपना ग्राफिक्स का काम तो हो ही रहा है। सो गाइस आपने देखा हमने अपना ग्राफिक्स का काम जो है वो डन करा दिया है और हम अभी घर आ चुके हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो हमारी बाइक कैसी लग रही है। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हो हमने अपनी बाइक के ऊपर ग्राफिक्स करा लिए हैं और मेनली जो है ऑलमोस्ट हो गया है। बट बाकी जो चेंजेस होते रहेंगे वो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए जो मैंने ग्राफिक्स कराए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले मैं दिखाऊँ जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, वो ये है लिमिटेड एडिशन। देख सकते हो भाई कितना सेक्सी लग रहा है। और भाई वाकई में लिमिटेड एडिशन हमारी बाइक है तो हमने लिमिटेड एडिशन लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बोल्ड और बड़ा बड़ा थोड़ा 3D डिज़ाइन में इंस्टाग्राम हैंडल, अपना यूट्यूब हैंडल जो है वो मैंने लिखवाया है, जो कि थोड़ा 3D लुक दे रहा है आप देख सकते हो। वहीं अंडरबेली पे हमने यामाहा की बैजिंग कराई है, मेनली हमारी बाइक यामाहा की है तो हमने ये भी कराया है। देन मेन चीज़ जो हम आते हैं वो आते हैं इसके स्टिकर पे, R1M का स्टिकर लगाया है और साइड में इसकी आइज़ जो है हमने वो फुल्ली ब्लैक करा दी हैं। देन एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रिप्स लगवाई हैं दोनों साइड, जिससे लुक काफ़ी इन्हेंस हुआ है इसका। एंड आप जैसा देख सकते हैं आइज़ हमने पूरी कम्प्लीटली दोनों साइड से ब्लैक कराई हैं एंड R1M का हमने यहाँ पे लोगो लगाया है। सेम इसी साइड पे भी हमने वही चीज़ कराई है और एक अंडर बैली पे हमने यहाँ पे लिमिटेड एडिशन का अपना यहाँ पे स्टिकर लगाया है। और ओवरऑल ज़्यादा कुछ नहीं कराया है, बाकी आपको मैंने वो पहले बता ही दिया था, ये मैंने खुद से हाथ से कटिंग करके बनाया था तो मैं इसको कभी भी निकालने नहीं वाला हूँ। ये मेरी बाइक पे परमानेंटली रहेगा क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया था। एंड हमने जो ग्रिल्स के अंदर है यहाँ पे भी वाइट हमने यहाँ पे विनाइल शीट लगा दी है। ये आप देख सकते हैं हेडशॉट, ये मैंने खुद से बनाया था। एंड सेकेंड जो है अपना नेम, ये मैंने खुद से बनाया था। तो ये दोनों चीज़ें हमारी परमानेंटली बाइक पर रहने वाली हैं, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। और सेम पोजीशन जो भी है हमने स्टिकर्स की वहीं पे दोनों साइड पे अप्लाई किया है। एंड नीचे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एजेस बनाए थे हमने, जिससे थोड़ा लुक टेल का अच्छा लग रहा है। बाकी टायर्स पे आप देख सकते हो सिंगल स्ट्रिप लगाई है एक साइड पे, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हमने लगाया वाइट। एंड सेम इसी साइड पे हमने ये चीज़ रिपीट करी है, इधर भी देख सकते हो आप और इस साइड पे भी आप देख सकते हो यहाँ वाइट स्ट्रिप लगाई है। सो ओवरऑल लुक आप चेक करो और बताओ गाइस कैसा लग रहा है बाइक का। हमारी बाइक कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है। सो गाइस आपने देखा, देखो मैंने आपको ग्राफिक्स का जितना भी मैंने ज़्यादा काम नहीं कराया क्योंकि यार बाइक ना डिसेंट अच्छी लगती है कम स्टिकर्स की। बाकी हम स्टिकर लगाएंगे अपनी बाइक को थोड़ा और एनहेंस करेंगे, बट मैं विनाइल शीट से कटिंग करके नहीं, मैं जो आप हाई क्वालिटी के स्टिकर्स जो आते हैं हमारे, जो कि मेनली ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, बट ऑफलाइन जो है वो हमें जाकर खुद से बनवाने पड़ते हैं अपने डिज़ाइन वगैरह देके, उनके थोड़े प्राइसेस एंड क्वालिटी एनहेंस होती है तो वो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे। तो वो वाले स्टिकर हम लगाने वाले हैं क्योंकि विनाइल का ये होता है सीन कि अगर हम उसको ईजिली छुटाएंगे तो वो छुट जाता है और बहुत पतली, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उसको, ऐसा जितनी क्वालिटी नहीं होती, स्क्रैचेस बहुत जल्दी दिखते हैं उसके एंड फेड आउट भी जल्दी हो जाता है विनाइल। सो अभी जो हम स्टिकर्स हैं वो अपने कराएंगे तो वो आपको बता देंगे। बाकी आप बताओ यार कमेंट में कैसी लग रही है अपनी बाइक, ग्राफिक्स का जो भी है थोड़ा बहुत खुद से ही करा था आपने वीडियो में देखा, और होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि खुद से ही काम करा था। मेनली मेरा तो ये मानना है भाई बाइकर वही बंदा है जो अपनी बाइक के A to Z सारे काम खुद से करे, कोई भी नहीं होगा जो अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी के पास छोड़े। तो भाई सेम केस में अपना है, हम रियल बाइकर हैं तो भाई हमारी बाइक जो है वो सीरियसली हमारी गर्लफ्रेंड है तो हम उसको खुद से ही ट्रीट करेंगे भाई, किसी और को थोड़ी नहीं देंगे। तो अगर आप भी बाइकर हो ना तो भाई आज से ही छोड़ दो किसी ऊपर डिपेंड होना, खुद से ही काम करो, जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक ट्राई करो, करने की कोशिश करो। और बाकी मेन चीज़ है अगर नहीं हो रहा है तो आप गाइडेंस लो, सर्च करो, बट उस चीज़ को जानो। एक्चुअल में बाइकर वही है जो बाइक को समझे, उसकी चीज़ों को समझे। आपको नॉलेज किसी चीज़ की है नहीं, बस आपने बाइक ले ली, गियर्स ले लिए और आप अपने आप को बाइकर बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर बाइकर हो तो बाइक क्या है पहले उस चीज़ को समझो, देन उसके बाद बाकी आपकी तो मर्जी है भाई, मैं किसी को कोई कुछ कह नहीं रहा। और एक्चुअल में अब बताना भाई कमेंट करके बाइक कैसी लग रही है। आपने देखा 2 महीने हो गए इस प्रोजेक्ट पे काम करते करते और भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट मैंने आपसे बीच बीच में भी बोला था जितनी मेहनत कर रहे हैं ना एंड रिज़ल्ट उतना शॉकिंग होगा और उतना ही अच्छा होगा। तो एंड रिज़ल्ट मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई लोग कैसा लगा। और इसके ऊपर आप बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाने वाले हैं,
आपकी अब बाइक तैयार करी है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर ही कंटेंट आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मेरे को बेस्ट पार्ट जो लगा या कोई भी आप अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।